ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शेयर मार्केट के रिगार्डिंग जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूर्ण रूप से अब सत्य हो गई है और शेयर मार्केट के लिए ऑलरेडी मैंने क्लिपिंग यहां पर लगा रहा हूं। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गोल्ड प्राइस 35,000 के आसपास ये कमोडिटी मार्केट में पहुंच गया और जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन किया था पहले भी कि गोल्ड प्राइस जो होगा वो 35,000 तक टच कर जाएगा और मैक्सिमम डेट मैंने 18 सितंबर तक का दिया था, 38,000 तक भी जाने की संभावना है जो कि 18 सितंबर तक का डेट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं 35,000 तक इसका रेट कमोडिटी प्राइस में, कमोडिटी मार्केट में इसका प्राइस पहुंच गया। देखिए गुरु अभी भी वक्री हैं और गुरु का जो वक्री अभी नेचर चल रहा है और साथ में शनि भी वक्री हो चुके हैं और गोचर में जो है हालांकि अंगारक दोष निकल गया लेकिन मंगल नीच के हो गए और मंगल का नीच जो होना है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन कम से कम अगर मैं बात करता हूँ शेयर मार्केट पे इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि जो मंगल नीच के हो रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, खून खराबे हो सकते हैं क्योंकि मंगल ब्लड को प्रतिनिधित्व करता है तो शेयर मार्केट पे इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, ये मैंने स्टेटमेंट दिया था। और अब आप आज जाके चेक कर सकते हैं कि मार्केट कितनी तेज़ी से गिरा है और मार्केट गिरने के बाद ये लगातार 600 पॉइंट की जो गिरावट मार्केट में आई है, एक छोटी गिरावट नहीं है, एक अनएक्सपेक्टेड गिरावट यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले ही बता दिया गया था कि मार्केट से थोड़ा सा दूरी बनाइए, अभी मार्केट के गिरने की संभावना रहेगी टिल 9th अगस्त तक गिरने की संभावना। ओवरऑल ट्रेंड नीचे ही रहेगा क्योंकि मंगल अभी नीचे कर रहा हूँ और इस पर देखिए शेयर मार्केट अनिश्चितताओं का खेल होता है, यहां पर लोग एक ही पल में अमाउंट को डबल कर लेते हैं, एक ही पल में अपना पूरा पैसा गवा देते हैं और जहां तक मैंने पढ़ा है शेयर मार्केट को 95% लोग इसमें पैसे गवा देते हैं। तो शेयर मार्केट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है वो राहु होता है और शेयर मार्केट में देखना पड़ता है कि आपका राहु कहां पर है, साथ में सेकंड हाउस 8th हाउस 5th हाउस और 11th हाउस को देखना पड़ता है। कई सज्जनों का मेरे पास फ़ोन आता है, सर मुझे शेयर ट्रेडिंग के लिए टिप्स दे दीजिए, तो मेरा डिस्क्लेमर है मैं शेयर मार्केट के बारे में जो भी अपडेट करूंगा वो एक यूनिवर्सल अपडेट होगा, वो यूट्यूब के माध्यम से ही अपडेट होगा, मैं किसी को इंडिविजुअल शेयर मार्केट के बारे में टिप्स नहीं दूंगा और क्योंकि ये प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आपकी कुंडली से और शेयर मार्केट का जो मूवमेंट होगा उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए प्राचीन काल में भी अगर आप देखिएगा या आपके पास अगर पंचांग पड़ा होगा तो उसमें भी तेजी और मंदी के विचार जो होते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से लिखे रहते हैं कि सोना कब तेज होगा, चांदी कब तेज होगा, कपास पर इसका क्या असर होगा, ये ऑलरेडी लिखा होगा। अगर आपके घर में पंचांग होगा, जनरली सभी लोग जानते हैं जो पंचांग में सारे चंद्र की कलाएँ जो होती हैं उसमें लिखा रहता है और बगल में साइड में तेजी मंदी के विचार लिखे होते हैं, तो ये विचार ज्योतिष के माध्यम से किया जा सकता है, मार्केट का ट्रेंड क्या होगा वो ज्योतिष के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन इंडिविजुअल आप पर क्या इसका असर पड़ेगा इसको इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना, इसलिए इसके रिगार्डिंग मैं किसी प्रकार का कोई टिप्स नहीं प्रोवाइड करूंगा और ये केवल एक अपडेट था जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी था। और साथ में एक और अपडेट कि अभी जो शेयर मार्केट होगा मैक्सिमम डेट तो मैंने 9th अगस्त तक बताया हूँ, लेकिन ये ट्यूसडे से ये मार्केट थोड़ा सा तेजी पकड़ेगा और धीरे धीरे इसके अंदर तेजी आएगी और ये मार्केट फिर ऊपर जाएगा, लेकिन बाद में फिर मार्केट को नीचे आना है और ट्रेंड ओवरऑल अब अभी देखा जाए तो ये नीचे की ओर ट्रेंड जाएगा और 9 अगस्त तक थोड़ा सा इसमें ट्रेडिंग से बचना चाहिए लोगों को। ये जो मंगल नीच के हुए हैं साथ में मंगल अस्त भी हैं, शुक्र भी अस्त हो रखा है, तो ये कहीं ना कहीं अभी भारत सरकार को यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं जा रहा है क्योंकि मंगल जो है नरेंद्र मोदी जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं उनका जो लग्नेश है मंगल है, वो एक तो नीच का हो गया साथ में अस्त भी हो रखा है, इसलिए मोदी सरकार पर या उनके सहयोगी पार्टियों पर अभी कोई काम बन नहीं पा रहा है।
चाहे वो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि चीज़ें बिगड़ गई हैं, या आप देख लीजिए जो बिहार में जो इनकी सहयोगी पार्टी है उन पर ब्लेम उठाया जा रहा है। विरोधी इस समय ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि इसका दो रीज़न है। जो हमारा जो भारतवर्ष है उसकी जो लगन बनता है वो वृष लगन है, सभी लोग जानते हैं, और वृष लगन का जो लग्नेश होता है शुक्र होता है, शुक्र भी अस्त है, और मंगल जो है हमारे प्रधानमंत्री का जो मेन प्लैनेट है वो भी अस्त हो रखा और वो नीच का हो रखा है। लेकिन जब जब मंगल का नीच भंग हो रहा था तब तक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही थी। तो पॉजिटिव न्यूज़ में जैसे मैंने कुलभूषण जाधव के बारे में बताया था, कुलभूषण जाधव जी के बारे में बताया था, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो आतंकवादी रिलेटेड जो चीज़ें थी उसमें कहीं ना कहीं भारत को सफलता भी मिली है। लेकिन ओवरऑल अभी 9 अगस्त तक ये सरकार पर थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, विरोधी हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन फाइनली जो होगा 9 अगस्त के बाद सरकार को फिर मजबूती मिलेगी। और ये ग्रहों की गति है जो इस समय मोदी सरकार के लिए भी थोड़ा सा टेंशन बनी हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में ये टेंशन बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि अभी स्वाइन फ्लू और जितने भी ब्रीथिंग रिलेटेड यानी हवा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि मंगल नीच के साथ अस्त हो रखे हैं और राहु उच्च का हो गया है, तो स्वाइन फ्लू की घटनाएं बढ़ने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये टाइम जो है अभी बस स्टार्ट होने वाला है, एक हफ्ते के बाद ये स्वाइन फ्लू की जो बात मैं बता रहा हूँ ये एक महीने के अंदर तक ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला है, और सबसे ज़्यादा शिकार जो होगा वो नॉर्थ में होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, साउथ में इसका विशेष प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।